Last time you were online. Is someone absent in this class? Say somebody else. So this is the science of the family. चलो तो पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पर बातें की थी. We spoke about how conservative is your balance. बहुत पूछते हैं ना हमें conservative उसको balance वगैरह कितने होते हैं. पिछले क्लास की सारी बातें याद है आपको. क्या क्या प्रोडक्शन में वो तो क्लास के पढ़ने में कुछ हो रहे थे और रशिया को रशिया रशिया कर रशिया को अभी तक इस सारे कहानी में हमें इतना तो पता चल चुका है that the conservatives were not at all good, they were not at all interested in giving any freedom to anyone. But in order to stop the cycle of revolutions, बार बार का revolutions हो रहे थे ना. फ्रांस में भी हमने क्या देखा, तीन बार revolution हुई, 789, 5789 में पहला revolution हुआ, फिर कब हुआ, 1830 में revolution हुआ. 1830 के revolution में क्या हुआ था, हमारा भी एक याद है जो हम बड़े होते भी हमारा
लेकिन फिर उसको क्या किया गया था कि 1830 के रेवोल्यूशन में लुई 18 को हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ना अपना चाहिए रहना चाहता था। फिर इसको लाके उठाया गद्दी पर, तो लाके उठाया। फिर 1848 के रेवोल्यूशन में क्या हो गया था, वो भाग गया ना ऐसे याद रखा करो, वो भाग गया, वो आ गया, उसको पीट दिया, उसको भगा दिया, ऐसे याद रखते तो हरा है। ऐसे अगर पढ़ोगे he was reinstated on the throne, पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम के दिन याद भी नहीं आया क्या पार्लियामेंटरी इंग्लिश का एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना आप लोगों को, भगा दिया ऐसे तो नहीं लिख सकते हो आंसर, लेकिन याद तो ऐसे ही रहता है, भगा दिया, आ गया, राजा बन गया, छोड़ दिया, मार दिया, ऑल दिस थिंग्स वी रिमेंबर। फिर जब लुईस फिलिप भाग गया था उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने क्या क्या फ्रांस का क्या क्या नेशनलिज्म परेशान करते गया था, लुई 18 को भगा दिया, लुई 15 भी बुरी तरह से भागा। अब एक ही गलती आदमी ना तीन बार कर सकता, चौथी बार भी करेगा क्या? नहीं ना। तो चौथी बार उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड कि रोमन डायनेस्टी को ये क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, एंड दे स्टार्टेड अ रिपब्लिक गवर्नमेंट। कुछ याद आ रहा है, रिपब्लिक रिपब्लिक गवर्नमेंट उन्होंने स्टार्ट। अब ये सारी बातें देखकर आजू बाजू के जो कंट्रीज उनको क्या लगने लग गया था, मुश्किल है, आसान करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसेशन देंगे। तो ये कंसेशन क्या दिया था, अगर आप हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया, हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया, इन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम थोड़े से कंसेशन देंगे, बॉन्डेड लेबर और सर्वडम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, थोड़ी सी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा सेल्फ रूल, थोड़ा ही थोड़ा सा। अब देखो आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ पूरी की पूरी कहानी में ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या हो रहा है, इतने दिनों तक अभी तक जो कुछ भी बड़बड़ किया ना पूरा उसको उल्टा बड़बड़ कर दूंगा। ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज यहाँ पर ना नेशंस को अक्ल आने लगी, तो वो जैसे जैसे रिएक्ट करेंगे वैसे वैसे ही मैपड़ हो रही। तो उन्होंने क्या सोचा कि जैसे रशिया और ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, वैसा कंसेशन दे रहा है, तो चुना हम क्या करें, हम पूरे कर सकेंगे। ऐसा किसने सोचा, बाकी राजा, क्योंकि फ्रांस क्या हो गया, रिपब्लिक हो गई, फ्रांस एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल। आप तीनों में से एक आईएएस ऑफिसर बन जाते, तो बाकी लोग के पेरेंट्स को भी क्या लगेगा, हमारे भी बच्चे आईएएस ऑफिसर बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए। यूजुअली ये चीजें सोसाइटी में होती है, हर एक के साथ होता है, ऐसा नहीं। बट कोई अगर हाई पोजीशन ले लेता है तो बाकी को भी लगता है कि हमारे भी घर में ऐसे हाई पोजिशन वाले अमीर लोग होने चाहिए। तो इसी तरह एक ने फ्रांस ने क्या कर लिया, रिपब्लिक गवर्नमेंट बना ली, तो बाकी कंट्रीज के भी मन में क्या आने लग रहा है, हमें भी रिपब्लिक गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, हमारे यहाँ पे भी जो मोनार्क है ना उसको बनाना चाहिए। अब मोनार्क भागेगा तो उधर दूसरा क्या आएगा, रिपब्लिक गवर्नमेंट आएगी, सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे तो क्या होगा, अपनी मनमानी करेंगे, राजा की बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्लास में बहुत सारे मॉस्किटोज है ना, वो मेरे परमिशन के बिना आया है और ये लेक्चर सुन रहे हैं, मॉस्किटोज को कुछ करेगा, थोड़ी देर बाद अपने आप ही वो लोग मर जाएंगे, इतना सब कुछ कैसे उनके दिमाग में रहेगा। तो अब धीरे धीरे कंट्रीज को भी क्या समझने लग गया था,
ये हमें ऐसे ही बेटर कंजर्वेटिव बन के नहीं रहना। बेटर कंजर्वेटिव मतलब अपनी चलाएंगे, अपना ही मुनाफी दिखाएंगे, अपनी मुनाफी जमी करेंगे, दूसरों का कुछ के सुनेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो एक दिन हमको भी लीडरशिप की तरह भागना पड़ेगा। मीटिंग हो तो अब बाकी कंट्रीज ने क्या सोचा, इससे पहले हमारे कंट्री के लोग बगावत करे, रिवोल्ट करे, रेवोल्यूशन करे, वो जो मांग रहे हैं हम ही इनको दे देते हैं, समझ लो। तो लोग अगर उनकी आवाज उठाएंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, तो फिर वो तो राजा को भगा देंगे ना। लेकिन अगर राजा को पे बने रहना है, राजा को राजा भी रहना है, राजा को पैसा कमाने का है, तो राजा क्या करेगा, राजा कर देगा पहले से ही जो उसकी पब्लिक उससे मांगने वाले। अब देखो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल आते हैं, एक जर्मनी का किया और एक इटली का किया। सबसे पहले हम जर्मनी की बात करते, अभी तक की कहानी में मुझे सुना था जर्मनी क्या है, ये टुकड़े में बटा पड़ा है। सारा जर्मनी किसके अंदर है, किंगडम ऑफ रशिया के अंदर। तो ये रशिया में जो जर्मनी है, जर्मनी है मुझे पैसे दिया था, बाकी सारी क्लास के जब से मार या उसको पैकनेम दे दिए और हम लोग को भी पैकनेम दे दिए। और जर्मनी की नाटक की कहानी में पढ़ी थी कि राजा कौन था, फ्रेडरिक विलियम को। और ये फ्रेडरिक विलियम को क्या किया था, और जर्मन नेशनल असेंबली की 831 लोग जब उससे मिलने गए गार्डन में, सेंट पॉल चर्च, make him understand that you need your absolute monarchy on ourselves and you take a constitutional monarchy. Mana bol diya, mana nahi. Iske help se bhaga diya usne un logon ko. Bhagaya nahi, nahi mana. Dheere dheere assembly kya ho gayi, disintegrated. To kiske iske help diya tha usne, आर्मी एंड एरिस्टोक्रेसी, आर्मी एंड एरिस्टोक्रेसी पे क्वेश्चन बनता है, विद हु सपोर्ट विद फ्रेडरिक विलियम फोर ट्राई टू डिसइंटीग्रेट द जर्मन नेशनल असेंबली। तो इन दैट केस यू नीड टू नो दीज टू पॉइंट्स, पहला क्या लिखोगे आर्मी का बात लिखोगे और दूसरा एरिस्टोक्रेसी की बात लिखोगे, इसी दोनों पॉइंट को खींच खींच के लिखना। बट आपके आंसर में आर्मी भी लिखनी चाहिए, एरिस्टोक्रेसी भी लिखनी चाहिए। और भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, लार्ज लैंड ओनर्स जिन्हें क्या कहेंगे, जंकर्स। तो लार्ज लैंड ओनर्स जंकर्स को भी क्या किया, उसने उनकी भी मदद ली। तो जंकर्स आर बेसिकली लार्ज लैंड ओनर्स, तो इन सबकी मदद से उसने क्या किया था, भगाया। लेकिन कोई भी राजा का जिंदगी भर जिंदा रहने वाला है, लाइफ टाइम के लिए जिंदा रहने वाला है, अमर रहने वाला है, कभी ना कभी तो कटेगा। और ये फ्रेडरिक विलियम फोर के क्या होगा, टपक गया। कब तक था, 1861 में। फ्रेडरिक विलियम फोर इसकी डेथ कब हो गई, 1861 में। ये चीज यहाँ पे नहीं है, पहले वो मरेगा तभी तो दूसरा राजा आया। तो फ्रेडरिक विलियम फोर 1861 में मर गया, उसके बाद दूसरा राजा कौन आया, केसर विलियम वन। केसर विलियम वन जब राजा बन के आया तो इसने ना बड़ा कमाल का जन्म किया। उसने क्या दिमाग लगाया, क्या ड्राइंग कर रहे हो ऐसे, ऐसे मत नहीं कर रहा। तो फ्रेडरिक विलियम फोर के डेथ के बाद विलियम वन क्या बन जाते राजा, और इन्होंने जबरदस्त प्लान, इनकी प्लान क्या थी, लोग रिवोल्ट करे, लोग मुझे धक्के मार मार के भगाए, इससे पहले ही मैं क्या कर देता हूँ, लोगों को वो चीजें दे देता हूँ जो लोग मांग रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने जर्मनी के सारे लोगों, मैं तो प्रशिया का राजा हूँ, प्रशिया की बात हो रही है ना ये सब, अब प्रशिया में ही अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, जर्मनी है। तो प्रशिया का राजा विलियम वन क्या बोलता है, मेरे प्रशिया में जितनी भी जर्मनी एरिया है या जर्मन स्पीकिंग एरियाज है,
वो तो मैं यूनाइट कर दूंगा, मैं रेडी हूं तुम लोगों को आजादी देने के लिए, यूनाइट कर देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, जर्मन स्पीकिंग एरियाज का सिर्फ रशिया में थे, वो फ्रांस में भी थे, ऑस्ट्रिया में भी थे और डेनमार्क में भी थे। कहाँ थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, बैड से बैड कंट्रीज में क्या थे, जर्मन स्पीकिंग एरियाज अलग अलग डिवाइडेड थे शुरू में। तो प्रशिया का राजा विलियम वन अपने प्रशिया में जितनी जमीन है वो तो दे रहे, लेकिन ये बैड कंट्रीज क्या पागल हो गया उठा उठा के अपने एरिया देने के लिए किसी और को, नहीं। तो उनके साथ कैसे क्या करके वो एरिया देने पड़ेंगे, वॉर करके वो एरिया से तो उनसे युद्ध करेंगे। अब युद्ध करने कौन जाएगा, तू जाएगा बेटा, तू जाओगी, तू जाओगी। उस टाइम पर कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क, कौन थे, ऑटो वन बिस्मार्क। उसको किसने भेजा, राजा ने भेजा ना, राजा के ये काम कर रहे हैं। तो ऑटो वन बिस्मार्क को जो उस समय क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे, इसके विलियम वन, उसको कहाँ भेजता है, वो उसको भेजता है फ्रांस में, डेनमार्क में, ऑस्ट्रिया में, क्या करने के लिए, वॉर करने के लिए। और जितने भी एरिया फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया के पास है, जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज है, कैसे एरियाज है, जर्मन स्पीकिंग एरियाज है, उनको यूनाइट करने के लिए। 7 साल का वॉर होता है, कितने साल, 7 साल। 1871 में फाइनली ये वॉर्स क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, और फिर पूरी सी पूरी जर्मनी क्या हो जाती है, यूनाइट हो जाती है। तीन कंट्रीज थे, तीनों कंट्रीज के साथ वॉर किया, कितने साल, 7 साल। तीनों कंट्रीज के साथ वॉर करके उसने सारे के सारे जर्मन स्पीकिंग एरिया को क्या कर दिया, यूनाइटेड कर दिया। किसने किया, विलियम वन राजा ने किया, और वॉर कौन करने गया था, और ये जो पूरा हो जाने का इतना बड़ा इवेंट है ना, तो इसको सेलिब्रेट तो करनी ही पड़ेगी। तो इस बड़े इवेंट को सेलिब्रेट करने कहाँ गए, प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर कहाँ हुआ, द प्रोक्लेमेशन इज ऑफर्ड एट पैलेस ऑफ वर्सेल्स में हॉल ऑफ मिरर्स, कब हुआ, 18 जनवरी 1871। यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट है, तीनों को डाउट है, कुछ होना तो चाहिए था, बहुत बड़ा डाउट होना चाहिए। वर्सेल्स का पैलेस किधर आता है, ये लोग किसकी उम्मीद कर रहे थे, फ्रांस में जाके कितनी उम्मीद, कौन से राजा है, राजा है नहीं, बात क्या उसने ले से किया है, क्यों, बड़ा हॉल है, खाली पड़ा है, हम लोग आगे साफ सफाई कर लीजिए, क्या पता चल, एक क्लास में मुझे यही जवाब मिला, बड़ा हॉल था, अच्छा था, तो सब वही गए होते, मैं कहा वही जाकर के लिए शादी करवाते हैं, बड़ा हॉल है, बफे वफे रखेंगे, खाना पीने के लिए अच्छे इंतजाम होंगे, रीजन होने रीजन अलग है। तो ये जो कुछ भी इनका सेलिब्रेशन था ना, वो सेलिब्रेशन है ना, फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस में क्यों किया, उसका रीजन लुई 16 को तो आप सब जानते हैं, लुई 16 के बारे में आपने पिछले साल पढ़ा है, उसी लुई 16 से पहले कौन हुआ होगा, लुई 15 हुआ होगा, और उसी लुई 15 से भी पहले कौन हुआ होगा, लुई 14। ये लुई 14 जो था ना, उसको फ्रांस वाले तो सन गॉड कह रहे थे, कैसा गॉड, सन गॉड या सन किंग ऐसा कुछ कुछ नाम है, क्यों, क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में फ्रांस पे बाउंड्रीज जो थी, टेरिटरी जो थी, वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। अब फ्रांस के बगल में कौन आता, जर्मनी, तो जर्मनी से ही इसने क्या करी थी, बहुत सारी टेरिटरीज हथियार लिए थे और फ्रांस को बड़ा सा मोटा सा गोलू सा बनाया था, एक्सटेंड किया था उसकी टेरिटरीज, ठीक है, एक्सटेंड किया तो किया, उसके बाद उसने जर्मन लोगों पर बड़े अत्याचार किए, बहुत खराब राजा था इसके लिए जर्मनी के लोगों के लिए। लेकिन फ्रांस के लोग तो उसके बड़ी बवाल करते हैं, क्यों, क्योंकि उसने फ्रांस में तो बहुत तरक्की रही ना, बट एट द कॉस्ट ऑफ हूम, एट द कॉस्ट ऑफ जर्मनी, उसने जर्मनी के लोगों को बहुत नीचा भी दिखा और इतना करके उसका पेट नहीं भरा, उसने क्या किया, यही पैलेस ऑफ वर्सेल में हॉल ऑफ मिरर में ही ऊपर जो सीलिंग होती है ना, सीलिंग, उसके सीलिंग पर पेंटिंग्स बनवाया,
स्कल्पचर्स बनवाए, इस बार किस तरह से एक एक इवेंट को उसने वहां पे पेंट करवाया, उसकी कार्विंग बनाई उस इवेंट की जिसको उसने जर्मनी को नेचर था। तो आज जब जर्मनी यूनाइट हो रहा है, उसका यूनिफिकेशन हो रहा है, तो वो भी अपना रिवेंज लेने के लिए किधर, उसी के घर, उसी के हॉल ऑफ मिरर्स में, जहां की सीलिंग में उसने जर्मनी को नीचा दिखाने के लिए पेंटिंग बनवाई। वो उस मोमेंट को रिमेम्बर करना, वो चाहता था कि रोज जब वो उठे और अपने हॉल ऑफ मिरर्स में आए तो वो देखे वहां की सीलिंग पर कि कैसे उसने जर्मनी को नीचा दिखाया। समझ लो, तो ऐसी जगह पर ये लोग क्या करने गए, वही नीचे खड़े रहकर अपना जर्मनी को क्या किया, इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम किया, यूनिफाइड प्रोक्लेम किया। मतलब जिस जर्मनी को तुमने कुछ सालों पहले नीचा दिखाया था, ऐसी पेंटिंग वेंटिंग बनाई थी, आज वही जर्मनी तेरे ही फ्रांस के, तेरे ही मेहनत के, तेरे ही सीलिंग के नीचे खड़ी रहकर क्या कर रही है, अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम, टाइप ऑफ रिवेंज दे लो। एंड इट वॉज अ ब्लडलेस रिवेंज, किसी का खून जरा तो नहीं हुआ, अच्छा खासा रिवेंज ले रही है। परेशान हो गए अपने टीचर से, तो इससे क्या हुआ होगा, अभी देखो जर्मनी तो क्या बन गई, बच्चा यूनिफाइड हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। और ये जर्मनी जब यूनिफाइड हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, तो वो सबसे ज्यादा थैंकफुल किसकी हुई होगी, रशिया के राजा विलियम वन की, क्योंकि ये सब हुआ किसकी मेहनत की वजह से, रशिया के राजा विलियम वन की मेहनत की वजह से। तो उन्होंने खुशी में रशिया के राजा केसर विलियम वन को भी अपना भी राजा डिक्लेयर कर दिया। तो राजा जी के तो पांचों उंगली घीम है, जो प्रशिया उसका है वो तो उसका है, जिस प्रशिया में जो जर्मन एरिया थे जो आज के तौर पर रिवोल्ट करके अलग होने वाले थे वो भी उसका, और जो भी जर्मन एरिया फ्रांस डेनमार्क और ऑस्ट्रिया में थे उसको भी लड़ झगड़ कर अपना मन विश्वास लिया है तो वो भी उसकी हो। और इस सब लोगों ने मिलकर क्या किया, राजा किसको डिक्लेयर कर दिया, विलियम वन। तो अब दो अलग कंट्री और एक राज, सोच मनी सोच, एट द टाइम अगर तुम डेल्टा सॉरी क्या था ये जर्मनी और रशिया दोनों की रानी बनती तो तेरे क्या दिन हो, तू भी सोच अगर तू रानी बनती, तू राजा बन तो कैसा फीलिंग होगा। वही फीलिंग किसको हो रही है, विलियम वन को। इनफैक्ट उसका तो इतना बोलबाला हो गया था कि वो एक मॉडल बन गया पूरे यूरोप में, रशिया को सारे क्या कहते लग गए, रशिया वो देखो रशिया, वो प्रशिया का राजा विलियम वन, उसकी तरह बनो, ऐसा एक फीलिंग था। हो गई कहानी इसकी जर्मनी। अब हम बढ़ते ही रहते, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ देखिए। अब देखो वहां पर जर्मनी की जब हमने कहानी सुनी, तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जर्मनी प्रशिया के जो राजा थे वो आगे बढ़े, तो इटली में क्या होगा, इटली का ही कोई राजा आगे बढ़ेगा ना, इटली को यूनिफाई कराने के लिए। लेकिन अगर आप पेज नंबर 21 का जो मैप है उसको ध्यान से देखते हो तो इटली यहाँ पर एक यूनिफाइड कंट्री को है ही, इटली में जो ये ऑरेंज कलर का हिस्सा है ना ऊपर वाला, इसे कहेंगे पेडमोन, इसे कहेंगे सार्डिन, राजा की गद्दी यहाँ होती थी, राजा का पैलेस सार्डिना होता था, इसीलिए इस जगह को भी क्या नाम कहा रहा है, सर्वाइस सार्डिना। दैट मींस पेडमोन वाला जो रीजन है वो भी किसके कंट्रोल में है, सार्डिना के कंट्रोल में। सो दिस इज ऑफ सार्डिना, ये पेडमोंट और सार्डिना के राजा कौन थे, किंग विक्टर इमैनुअल II, एक क्या है लोम्बार्डी, एक क्या है वेनेशिया, इन दोनों के राजा कौन है। उधर ऊपर कौन था, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा, तो ऑस्ट्रियन ऑक्सबर्ग एम्पायर के ऊपर क्या कर रहे, इस एरिया को ऊपर कर रहे, ये चुपकू चुपकू से दो दिख रहे, आर्मा और मोडेमा,
यहाँ पे इनके कमांडर्स, ठीक है, कमांडर्स ये जो तस्करी है, तस्करी है ग्रैंड ड्यूची ऑफ तस्करी का, मतलब एक अलग राजा। ये पिंक में दिख रहा है आपको पेपर स्टेट, यहाँ पे पोप है। पोप कौन थे? पोप कौन होते हैं? कॉन्फिडेंटली बोलना सही बोल रहे हो इसके। हाँ, चर्च के हेड को क्या बोलते हैं? पोप। वो यहाँ पे था, इनफैक्ट चर्च ही नहीं है, पूरी क्रिश्चियनिटी के ही हेड होते हैं ना, वो यहाँ पे भी करते थे। और ये जो टुकड़े थे आप लोग, ये थे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इसके राजा कौन है? किंग फर्डिनेंड। किंग फर्डिनेंड कहाँ से था? स्पेनिश लीडर। तो अब इटली का ये राजा कहाँ है? मतलब एक ऐसा आदमी क्यों अच्छा था बीच बीच में, तो जरूर उसकी इतने रिमांड की उनकी आत्मा रही है, मच्छर बन के आ गया है। हम लोग उसको सुबह सुबह उठकर याद कर रहे हैं ना, तो उसको लगा इधर इस क्लास में। सो यहाँ पर इस पूरे इटली में देखो तो एक ऐसे राजा का नाम बताओ मुझे जो खास तौर पे इटली का ही बिलोंग करता हो। तो खबर नहीं तुझे? अभी अभी तो मैंने बोला एडमोंड और सार्डिना में इटालियन की है ना, एलोवाना मैंने यहाँ जैसे लिखा जैसे लिखो ना, भी जो भी मैंने मार्क कर लिखा ना वैसे तुम लोग भी लिखे। इटालियन की विक्टर इमैनुअल ये ग्रैंड डची वगैरह आपको जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे अनदर नेम ऐसे लिख देना, ठीक है, को मार्केट एंड राइट है अनदर नेम, परमा वगैरह को भी क्या करना मार्केट एंड राइट अनदर नेम। और पिंक में जो पेपर स्टेट है उसमें क्या लिखोगे? पोप लिखोगे। और जो नीचे है ना किंगडम ऑफ टू सिसिलीज उसमें बस इतना ही याद रखना कि वो स्पेनिश रूलर्स के अंदर, अगर रूलर का नाम चाहिए तो वो मैंने लिख रखा है फर्डिनेंड फोर्थ का नाम, बट नॉट मिस जिमा में लिखा है स्पेनिश रूलर्स का। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल, दैट यू नीड टू रिमेम्बर, ना ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल के अंदर लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। मेरी हैंडराइटिंग समझ आती है ना, आधा हिंदी आधा इंग्लिश में पॉइंटर्स। और मोदेमा और परमान की क्या लिखूंगा? देवर अंडर डिफरेंट रूलर्स या फिर कमांडर्स जो आप डिफरेंट रूलर्स डिफरेंट कमांडर्स। अब वो कमांडर हो सकते हैं लोम्बार्डी और वेनेशिया के जो ऑस्ट्रेलियन रूलर्स को उड़ो में रखे होंगे, या फिर वो कमांडर खुद इटली का राजा ने वहां पे रखा होगा, या फिर इन कमांडर्स को पेपल स्टेट्स के पोप ने रखा होगा। सो दिस थिंग इज नॉट क्लियर। सो परमा एंड मोडेना वाज अंडर सम हाई कमांडर्स के रूल में, किसी को एक पर्टिकुलर राजा वहां पर नहीं था। कभी हो सकता है ये लोगों ने अटैक करके इस पर कब्जा कर लिया हो, कभी ये अटैक करता होगा, कभी ये सर होंगे, कभी ये अटैक करते होंगे, तो वहां के कमांडर्स क्या थे लगातार बदल रहे, ठीक है। सो देखो कितने हो गए टोटल, सेवन हुए कि नहीं? फर्स्ट इज योर सेवोय सार्डिना में इटालियन किंग विक्टर इमैनुअल टू, देन ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर किसपे रूल कर रहा है? लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। फोर एंड फाइव विल बी अंडर दिस मोडेना एंड परमा, थर्ड एंड फोर विल बी मोडेना एंड परमा, देन फाइव क्या है? तस्करी, ग्रैंड ड्यूची ऑफ तस्करी, सिक्स क्या है? पेपल स्टेट, और सेवन क्या है? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। तो पूरा इटली कितने रूपों में है? सात रूपों में। अब देखते हैं ऐसे में यहाँ पर
जो इटालियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे ना, उसका भी डायलेक्ट एक जैसा नहीं था. नाउ इफ इन ऑन टुडेज में भी उसके लाइक पूरे इंडो इटालियन लैंग्वेज की बात की जा रही है, और ये इटालियन लैंग्वेज सब जगह पे सेम एक ही डायलेक्ट में बात की जा रही है. लेकिन उस टाइम पर इनका डायलेक्ट भी क्या था, अलग अलग डायलेक्ट Speech. समझते Speech. हो. उन लोगों को तो मुझे एग्जाम्पल देनी चाहिए. अक्सर कैसे कह रहे एग्जाम्पल से तो मैं अगर हिंदी को इंग्लिश एक्सेंट में ना खेल तो क्या हो जाएगा, तो समझ में आ गया है. अलग अलग तरीके से बात है. अभी तो मराठी बोली रही, अगर आप मुंबई की मराठी देखोगे तो उसका आधी हिंदी मिक्स करके लोग बात करते हैं, और अगर आप लातूर में जाकर अगर वहां की मराठी सुनोगे तो इतना फास्ट फास्ट बोलते हैं ना कि आधे को सारे अपने मन में ही बोल लेते हैं ऐसा लगता है, और कुछ ही आधे दो तीन वर्ड्स बोले ऐसा लगता है. हम लोग को लगता है कि उसका बात करने का वैसे फास्ट तरीका होता है इसकी. और अगर आप खुला में जाओगे तो मराठी रही भारी होती है, तो समझ में एक अलग लेवल पे जाता है. अगर पूना चले जाओगे तो वहाँ तो बहुत ही ग्रामेटिकली कर रहे हैं हर चीज को बोलेंगे, तो ये क्या है, मराठी के मराठी बात कर रहे सभी लोग, लेकिन अभी थोड़ा 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 वेरिएशन आपको दिख रहा है. डायलेक्ट यहाँ पे भी इटालियन लैंग्वेज की क्या कर रहा, पलने पलट पलट के कहाँ घूमने जा रहा है अभी इटालियन में चुपचाप. हाँ तो इटालियन लैंग्वेज क्या हो गया था, एक अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे थे, इनका एक्सेंट जो इनका डायलेक्ट था वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था. देखो जब हमने जर्मनी की कहानी पढ़ी थी तो इन सभी लोगों ने उनके एरियाज को यूनिफाई कर दिया था ना, जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे, तो यहाँ पर कम से कम एक चीज तो थी उनके पास, इन सभी लोगों में कॉमन क्या था, यूनिफाइड स्पीकिंग जर्मन लैंग्वेज. बट लैंग्वेज ऑफ इटली, इज देयर एनी वन थिंग कॉमन, इटालियन लैंग्वेज के इतने सारे डायलेक्ट था, हर डायलेक्ट में काफी ज्यादा वेरिएशन था. तो यहाँ पर जो राजा थे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था इटाली को क्या करना, यूनिफाई करना. अब इटाली के बारे में हमने पहले भी बात की थी, इसको कब जोसेफे मल्जिनी, तो ये मल्जिनी क्या करता है, यंग इटली एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, यंग यूरोप एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था. कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ. मैं तब तक पढ़ा रही थी जोसेफ मजीनी के बारे में, तब मैंने अब्रप्टली उसको पढ़ाना बंद कर दिया, एंड सडनली आई वेंट टू अ न्यू. ऐसा मैंने क्यों किया, हाँ अब जब मैं उसके बारे में इतना अच्छा बोलूँ और सडनली एक बोलूँ कि फेल हो गया उसका, तो अच्छा नहीं लगता ना सुनने में. तो उस समय मैंने क्या बोल दिया था, अब्रप्टली उसको एंड कर दिया, उसके सारे अच्छा ही लगता है और एंड कर दिया. आपने एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा ही किया है, उसके बारे में सारी अच्छा ही बात अच्छी बात पहले बताई है, और सडनली द अब्रप्टली एंडेड अवर टॉकिंग अबाउट हिम, एंड नाउ दे आर टेलिंग अस दैट जोसेफ मंजीनी ने तो आइडियाज दिए, थॉट दिया, किस चीज का थॉट दिया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का थॉट दिया, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाया गया नहीं कर पाया. अब देखते हैं आगे क्या होता है. इम्प्लीमेंट करने के लिए विक्टर इनामी टू आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही थे जो इटालियन किंग थे, जो इटली के थे, बाकी ये सारे क्या हो गए, दूसरे दूसरे जगह के राजा है, और यहाँ पे आपका इन्होंने कैप्चर किया है इटली को खेल में जूते के साथ. ध्यान रखिएगा, ये देखिए ना जूते के साथ मैंने देखा. अब यहाँ इटालियन की विक्टर इनामी क्या करते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर कैमर को बोलते हैं कुछ करना, क्या करेंगे हम लोग इटालियन को यूनिफाई करेंगे. तो इटालियन को यूनिफाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है आपको, और ही करना पड़ेगा उस क्या, हाँ कैप्चर करना पड़ेगा, वॉर करना पड़ेगा. तो वॉर करने के लिए आप देखो जो सार्डिन और पेडमार्क को कितने हैं छोटे छोटे से वहां दूर देख रहे हैं, और इनके पास आर्मी भी कितनी होगी, छोटी सी होगी ना, और लोम्बार्डी और वेनेशिया जो उसके नॉर्थ में है वो किसके मुल्क के अंदर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और वो तो बहुत बड़ा एम्पायर है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. हम लोग ने पैचवर्क देखा था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का कितना बड़ा, उनकी आर्मी भी क्या होगी बहुत बड़ी होगी,
अब इतने बड़े आदमी के साथ विद्यालय का इतना छोटा सा आदमी जाएगा लड़ने तो वो तो दहाड़ कर इनको भगा दे। तो ऐसे में ये हार गया था, निश्चित पक्का था। तो अब केवल ने क्या किया, दिमाग लगा। केवल गया फ्रांस के पास, फ्रांस गया चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, उसको थोड़ा मस्का लगा। उसको बोला कि चल अपन क्या करेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाएंगे, तू मेरे को हेल्प कर ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी और वेनेशिया को छुड़ा दे। क्या कर रहे हैं, लोम्बार्डी और वेनेशिया को छुड़ा दे। राजा ने क्या किया, सक्सेसफुली ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर दिया। 1859 में क्या हो गया, आप सार्डिन ऑफ पेडमोंट के जो राजा ने विक्टर इमैनुअल टू उनके अंडर क्या आ गया, लोम्बार्डी और वेनेशिया। अब आगे देखो दूसरा का कॉन्फ्लिक्ट के पास, वो जो स्पैनिश रूलर है ना नीचे किंगडम ऑफ सिसिली का, अब उसको कैसे भगाएंगे, तो वो एक नया प्रॉब्लम है। उसको भगाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, राजा जो थे ही ट्रस्टेड दिस वर्क ऑन जियोसेफ गैरी गाइडो। नया आदमी ले लिया उन्होंने, नया आदमी कौन है, जियोसेफ गैरी गाइडो। इतने आपको जियोसेफ गैरी गाइडो इसको लेकर ये किधर गए, साउथ इटली ले गए, कहां पर, किंगडम ऑफ सिसिली। अब यहाँ पर ना इनको अलग से किसी फ्रांस या जर्मनी या किसी और के आदमी की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो खुद लोग रह रहे थे, जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, वो ही खुद क्या करते हैं, दे वॉलंटियर लीडर्स, वो खुद ही आकर आर्मी में जॉइन, क्या वो ट्रेन है, वो ट्रेन नहीं है, लेकिन वो खुद ही क्या करने आते हैं, वॉलंटियर करने आते हैं। वो बोलते हैं कि हम अपने राजा को हेल्प करेंगे ताकि वो हमें आजादी दिलाए स्पैनिश रूलर से। तो दे कम दे हेल्प जोसेफ गैरिबाल्डी, और फाइनली जोसेफ गैरिबाल्डी क्या करता है, वहां से स्पैनिश रूलर्स को भगाता है, और 1816 में किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे क्या हो जाते हैं, दे कम अंडर द सार्डिना पेडमोंट के कंट्रोल में, दैट इज किंग विक्टर इमैनुअल के कंट्रोल में आ। अब देखो मजेदार बात यहाँ पे ये है कि जब आप किसी भी वॉर में जाते हो तो वॉर में क्या होता है, वॉर प्राइस होता है ना, जैसे शिवाजी महाराज जब युद्ध पे जाते थे तो वो क्या बोलते थे, चिल्लाते थे ना उसको, वॉर प्राइस चिल्लाते थे, क्या चिल्लाते थे, जय भवानी या फिर हर हर महादेव, हर हर महादेव का वॉर। तो ऐसे ही इटालियन के जो जूसेप गैरिबाल्डी के जो ये थे ना सेना के आर्मी की, वो जब बॉर्ड पे गए तो उन्होंने भी एक नारा लगाया, ला टैलिया ला टैलिया। तो ये ला टैलिया का मतलब क्या होता है, यूनाइट द इटली या यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेकिन वो प्रेजेंट शिप थे, बेचारे गरीब थे, बड़े लिखे नहीं थे, उनको क्या लगा ये ला टैलिया, ला टैलिया मतलब किंग विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है, बड़े लिखे नहीं थे ना बच्चे, तो उनको लगा किंग विक्टर इमैनुअल क्या कर रहा है, पूरे इटली को यूनाइट कर रहा है, तो उसी की पत्नी का नारा बजा लेकर ला टैलिया। बाद में उनको पता चला ला टैलिया मतलब यूनिफिकेशन ऑफ। ये एग्जांपल आपको क्या है, That how the dialect was different, to which extent ये लोग अलग तरीके की इटैली बात कर रहे हैं। इटैलियन लैंग्वेज में ही जो लैट आरिया है, which means unite इटैली, वो भी इनको समझ नहीं आई, वो उनका कुछ अलग मतलब निकला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की बातें समझ आ गई, स्टॉप पे यहाँ पर। अब देखो ऊपर से क्या होता, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रो एम्पायर वो इनके कब्जे में आ गया, नीचे से किंगडम ऑफ प्रूसिया भी इनके कब्जे में आ गया, बीच में सैंडविच कौन हो गया, मुझे सरेंडर कर दिया। लेकिन दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, तो अब यहाँ पर दुश्मन कौन है, पापल स्टेट के नजरिए से देखा जाए तो उसके लिए किंग विक्टर इमैनुअल की दुश्मन, और इस समय फ्रांस को क्या हो गया था, पता चल गया था कि जो इटली है ना
उसने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप किए थे क्या बात था ना, बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे, वो प्रॉमिसेस तो उसने फुलफिल नहीं की, वो प्रॉमिसेस उसने क्या किए, छोड़ दिया आपके दूर, तो अब फ्रांस को भी गुस्सा आया होगा किस पर, इटली पर। तो आप अगर पेज टर्न करते हो, पेज नंबर 22 पे जाते हो, तो वहां पर एक ऑयल चला था बॉक्स, इस बॉक्स के सेकेंड पैराग्राफ को आप खोलते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बैटल स्टेट्स के सपोर्ट में कौन आकर खड़े हो गए, फ्रांस वाले। तो फ्रांस वाले क्या कर रहे थे, उनको बैटल स्टेट है कोर्ट से कोई लेना देना नहीं था, बिकॉज दे वर ऑल्सो क्या थे, दे वर सपोर्टिंग कैपिटलिज्म। बट उसके साथ साथ उनका दूसरा एक क्या इंटेंशन था, दे वांटेड टू ट्रबल हु, विक्टर इमैनुअल क्रू, बिकॉज विक्टर इमैनुअल क्रू का ही आदमी क्या हुआ, उनके साथ जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है और बहुत ही सफाई से उसने जो भी प्रॉमिसेस किए थे उस सबको तोड़ देता है। उसका बदला लेने के लिए कहा गया फ्रांस आ गया, जोसेफ गैरिबाल्डी 1867 को हराने के लिए वहां पर जाता है। लेकिन 3 साल तक लगातार बैटल करने के बाद तब कहीं जाकर वो बैटल स्टेट्स पर अपना रूल एस्टैब्लिश करता है। अगर आप लोग को याद हो तो थोड़ी देर पहले ही जब मैं जर्मनी की कहानी बता रही थी तब मैंने बताया था कि जो प्रशिया था वो फ्रांस डेनमार्क ऑस्ट्रिया इन पर अटैक करने वाला है, अटैक करके वहां से जर्मन स्पीकिंग एरिया से क्या करने वाला है, कैप्चर करने वाला है। तो जब प्रशिया फ्रांस पर अटैक करने आया तो जब अपने घर में रायता फैलाया तो वो दूसरे के घर के रायते को बटोरने जाएगा क्या फ्रांस, वो कहाँ भाग गया, अपने घर भाग गया। तो वो कैपिटल स्टेट में जो रहकर यू नो ही वाज फाइटिंग विद द विक्टर इमैनुअल टू, वो उसे क्या कर दिया, खुश कर दिया और वो किधर गया, अपने घर में चला गया इन ऑर्डर टू डिफीट प्रशिया। लेकिन डिफीट करता क्या प्रशिया को भी, वो भी नहीं, फ्रांस का क्या होगा, एक साथ चल, हाँ दोनों एक साथ चल रहे, दोनों लगभग एक ही साल में यूनाइट हुए। अगर आप देखते हो तो इटालियन यूनिफिकेशन कब खत्म हुआ, इटालियन यूनिफिकेशन 1870 हो गया इटालियन यूनिफिकेशन, और जर्मन यूनिफिकेशन 1871, एक ही साल का फर्क, तो दोनों एक ही टाइम पे हो गए। यहाँ तक की कहानी में कितनी परेशानी है, सब कुछ क्लियर हो गया है। इन अ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन को आप सब जानते होंगे, 200 साल हमारा सारा पैसा खा के गया है, उसको कौन बेचे, ये ब्रिटेन को हम क्या कर देते, पहले वे सपोज टू कंसिडर इट एज अ नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट। अगर नेशन स्टेट का कोई एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है तो क्या होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या इतने अच्छे एग्जाम्पल है, चलो वो देखते हैं। टू ड्रॉ क्या बड़ा थोड़ी है, this is Scotland, this is England, this is Wales, and this is North Ireland, this is South Ireland. If you want, you can draw this thing for your reference. चलिए हाँ चलेगा, लेकिन पहले मुझे पूरा बना लेने दे, फिर तुम ले लेने। Scotland plus England is equal to Great Britain. Ireland plus Scotland plus
in Milan is equal to UK. United Kingdom. Present day, North Ireland plus Scotland plus England plus Wales is equal to UK. United Kingdom. England became constitutional. फिर ये कब हुआ था 18 चीजें और भी मुझे लिखनी थी आपके कौन रहते हैं इंग्लिश मैन यहाँ पे कौन रहेंगे वेल्च यहाँ पे कौन रहेंगे स्कॉटिश यहाँ पे आयरिश नॉर्दर्न आयरलैंड में मैक्सिमम लोग क्या बच्चों प्रोटेस्टेंट इंग्लिश में क्या है हिंदी प्रोटेस्टेंट साउदर्न आयरलैंड में लोग क्या है कैथलिक और स्कॉटलैंड में भी लोग क्या है कैथलिक अब आप पिक ले सकते हो बेटा हो गया अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप आप देखें यहाँ पे जो भी रेड में लिखा है वो क्या है एथनिक ग्रुप है स्कॉटिश वेल्श आयरिश ये सारे क्या है एथनिक ग्रुप है इंग्लिशमैन ये सभी एथनिक ग्रुप है ये सारे एथनिक ग्रुप एक साथ काम करते हैं रही बात ये वेल्श लोगों की तो ये तो 12th सेंचुरी में ही क्या करते हैं दे कम एंड दे गेट यूनाइटेड विद हु विद इंग्लैंड पीपल तो इनके बीच की जो दरारें हैं वो क्या कर देंगे बच्चों मिटा देंगे सो वेल्स और इंग्लिश मैन क्या हो गए इंग्लैंड क्या हो गए यूनाइटेड हो गए कब यूनाइटेड हो गए 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के बीच ही यूनाइटेड हो चुके हैं अब देखो यहाँ पर इंग्लैंड में ना राजा रानी आज भी है ये राजा रानी पहले कैसे हुआ करते थे एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करते ये अपनी चला रहे थे लेकिन 1688 में इंग्लैंड क्या बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनता है क्योंकि यहाँ के सारे लोग इंग्लैंड में जितने भी लोग थे उन सबने क्या क्या प्रेशर डाला इस पर मोनार्की पर कि आज से तुम्हारा ना एब्सोल्यूटिज्म नहीं चलेगा तुमको मोनार्क रहने का है तुम रहो हम तो मोनार्की से नहीं हटा रहे लेकिन तुम कैसे मोनार्क रहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रहोगे और वहां का राजा भी नाम करना है यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं सभी क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ के मिडिल क्लास आदमी के पास भी घर है बंगला है गाड़ी है गार्डन है
कौन है? हाँ यहाँ इंडिया में क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के पास तो जिंदगी निकल जाती है गाड़ी खरीदते खरीदते, घर खरीदते, लेकिन वैसा सिचुएशन इंग्लैंड में नहीं है। वो लोग तो बहुत अमीर है, अगर वो चाहे तो सब मिलकर यूनाइटेड होकर इस राजा को हटा ही देते। तो राजा ने भी क्या किया, चुपचाप डिमांड आई तो उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए तो इंग्लैंड में राजा की हिंद चली गई ऐसा नहीं होगा। अब इंग्लैंड का क्या आ गया, पार्लियामेंट भी आकर चल। ये इंग्लैंड का पार्लियामेंट 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के अंडर स्कॉटलैंड को अपने अंडर ले लेता है। अब ये स्कॉटलैंड पर जो कैप्चर करके इसको अंडर ले रहा है ना, वो जबरदस्ती करके लेता है। स्कॉटलैंड के लोग कैसे हैं, स्कॉटिश लोग हैं, और वो कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कैथोलिज्म को फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली ये भी क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट है, लेकिन ये सेक्ट अलग है और ये सेक्ट क्या है, अलग है। ये लोग प्रोटेस्टेंट है और ये लोग कैथलिक्स ही। तो कैथलिक्स को जरा भी मन नहीं था इनके साथ आकर एक साथ रहना, इनके साथ एक ही टेरिटरी बनाना, लेकिन इनको फोर्स कर दिया तो इनको एक होना पड़ा। और ये जो थे ना इंग्लिश लोग, उन्होंने क्या किया, जो भी कैथलिक्स यहाँ पे रहते थे और जिन्होंने विरोध किया इस यूनिटी को, इस ट्रीटी को, ध्यान दे रही है नहीं? वहां क्या देख रही थी? मैं इधर देख रही थी। तो इन कैथलिक्स के जिससे अगेंस्ट गए, वो जो कैथलिक्स जो दे वर नॉट रेडी टू गेट यूनाइटेड विद इंग्लैंड, दीज इंग्लिशमैन दे फोर्स देम टू लीव स्कॉटलैंड ओनली, कि तुम तो स्कॉटलैंड ही छोड़ के चले जाओ, तुमको हम रखेंगे नहीं। देन आफ्टर दे कैप्चर स्कॉटलैंड दे डिडंट अलाउ देम टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। स्कॉटिश लोगों का अपना एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है, गैलिक लैंग्वेज, GALIC, गिवन इन योर बुक आल्सो। उस गैलिक लैंग्वेज को बोलने पर उन्होंने मना कर दिया। स्कॉटलैंड के लोगों को अपना नेशनल ड्रेस तक पहनने नहीं देते। अब इंडिया का नेशनल ड्रेस क्या हुआ, धोती कुर्ता और साड़ी। अगर हमें यही पहनने से मना कर देंगे तो फिर कैसे लगेगा, वैसे ही उनको खड़ा हुआ। और इस तरह से इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 जबरदस्ती साइन करवाकर स्कॉटलैंड के लोगों को कंपेल किया कि वो इंग्लैंड का हिस्सा बन जाए। ऐसी ही कहानी हुई आयरलैंड के साथ भी। आयरलैंड में भी अगर आप देखो तो साउथ पार्ट ऑफ आयरलैंड जो कि बहुत बड़ा है उसमें कौन है, कैथलिक्स है, और नॉर्थ पार्ट में कौन है, प्रोटेस्टेंट्स है। अब नॉर्थ आयरलैंड में जो थोड़े से प्रोटेस्टेंट थे ना, उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है, इंग्लैंड का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में कौन है, प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट दोनों हाई हाई, वो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ आयरलैंड के लोगों को ये प्रोटेस्टेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, और ये थोड़े से प्रोटेस्टेंट्स इन साउथ आयरलैंड के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। अब ऐसे में यहाँ पर भी लोगों ने विरोध किया। एक रेवोल्यूशन के बारे में ध्यान स्पेसिफाइड, ओल्फटोन नाम की औरत ने क्या किया था, औरत नहीं थी, आदमी था वो, ओल्फटोन रेवोल्यूशन अगेंस्ट इस यूनाइटेड किंगडम। वो नहीं चाहता था कि वो इस इंग्लैंड का हिस्सा बने, वो यूनाइटेड आयरिश लैंड बनाना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया। एंड 1801 आयरलैंड को जबरदस्ती किसके अंडर इंक्लूड कर लिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के अंडर। ठीक है, ये छोटे से थोड़े से प्रोटेस्टेंट्स किसको परेशान करते थे, साउथ आयरलैंड के कैथलिक्स को परेशान करते थे। लेकिन कोई भी चीज आप जबरदस्ती करवाते हो तो ज्यादा नहीं रुकती है क्या? नहीं। 1922 में साउथ आयरलैंड के लोग क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं एंड देन दे गेट देमसेल्फ्स फ्री फ्रॉम ब्रिटेन। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट डे में क्या लिखा है, सिर्फ नॉर्थ आयरलैंड, क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया, साउथ आयरलैंड रिपब्लिक बन गया है, वो ब्रिटेन से अलग हो चुका है, इंग्लैंड का हिस्सा वो। ठीक है, 1801 से 1922 तक आयरलैंड क्या था, किसके अंडर था, इंग्लैंड। ये क्यों बता रही हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन दिस चैप्टर, बट इन द नेक्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में मैं आयरलैंड की सीनरी को फिर से कोरिलेट करूंगी। तो याद रखना आज के डेट में 1922 में क्या हो गया है, इज आयरलैंड अ पार्ट ऑफ दिस पीपल, नो, आयरलैंड क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। अब नॉर्थ आयरलैंड किसका हिस्सा है, अभी भी इस पूरे का हिस्सा है। सो आज के डेट में आप यूनाइटेड किंगडम्स में क्या क्या देखोगे, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। लेकिन 1801 की ट्रीटी में कौन कौन थे, आयरलैंड पूरा, नॉर्थ एंड साउथ, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स।
अब जब ये पूरा एक बन गया है तो एकता तो आएगी नहीं, बस टेरिटरीज को जोड़ने से कहां से एकता आएगी। यूनिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, इट इज अ फीलिंग, एंड टू बी यूनाइटेड वी नीड टू हैव सम सिंबल्स, सम म्यूजिक, सम डांस, सम कल्चर इन विच यू कैन हैव सम यूनिटी। तो इसी कल्चर को, इसी सिंबल्स को, इसी यूनिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना नेशनल एंथम बनाया। इनका नेशनल एंथम क्या है बच्चों, सुना चाहोगे? सुना चाहोगे? इसका फ्लैग तो पता होगा, फोन देखा होगा, यूनियन जा रहा है, अजीब सा है। और सी अवर मोबाइल की नहीं इंडियन ने स्कॉटलैंड को भी जबरदस्ती दिया है। हाँ जबरदस्ती दिया छूट क्या लगती नहीं होगा, नहीं उनके पास शायद ऐसा कोई लीडर नहीं था जो उनको अलग कर रहा है। अब हर किसी के पास गांधी जी तो होते नहीं है ना, फिर धीरे धीरे वो भी उनके रंग में रंग गए होंगे। इतने बड़े सुपर पावर कंट्री का अगर कोई हिस्सा बन रहा है तो उनसे भी तो पैसों की प्रॉफिट होती होगी, स्कॉटलैंड को भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनने का मौका मिला होगा। तो अब नहीं भी चाहते हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके बोल के सकते हैं। देखो यार आपके मोबाइल के सोने के बाद सोने का नहीं, वो भी दो रंग का चिल्ला रहा है। वो आप भाग रहा है या उसे बुला रहा है? Four of arms. Is similar to what I have four of arms. जैसे हमारे पास सात नंबर के लाये हैं, चार नंबर हैं, वैसे ही ये नंबर सिंबल है। ठीक? Now we see the Union Jack. यूनियन जैक क्या इनका फ्लैग है, ये फ्लैग कैसे बना वो भी देखते हैं, उसके पीछे की हिस्ट्री है इनकी। जो यूनियन जैक है उसमें ये जो फर्स्ट फ्लैग है ना, दैट इज स्कॉटलैंड का फ्लैग, ब्लू कलर का बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स। दूसरा क्या है फ्लैग, वो आयरलैंड का है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और रेड कलर के क्रॉस। और ये जो आगे वाला है इंग्लैंड का, वो भी व्हाइट कलर बैकग्राउंड और रेड कलर का प्लस साइन, इन तीनों को मिलाकर उन्होंने इंग्लैंड का यूनियन जैक बनाया। इसमें कौन सी कंट्री बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं हुई क्योंकि वो तो नहीं रहता ना। विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन वाले रेसिपी पे आपके पेज नंबर 23। यहाँ पे क्या होने वाला था, आप किसी कंट्री को देखते हो, किसी कंट्री के बारे में बात करते हो तो आपको सबसे पहले क्या मतलब ध्यान में आता है, व्हाट डू यू विजुअलाइज अबाउट दैट?
ठीक है, तो इसे इंडिया बोलते क्या क्या है, भारत मानता है पर्सोनिफिकेशन, एक एक नेशन को एक आइडेंटिटी देना, चेहरा देना, इसे क्या कहते हैं पर्सोनिफाई करना। इफ देयर इज अ बैड थिंग, उस बैड थिंग को भी एक नाम देना या एक अच्छे थिंग को नाम देना जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसको एक्सप्रेस करने में आसानी नहीं सीखी। देखो तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे मन में राम भी होता है रावण भी होता है, इसका मतलब क्या है हमारे अंदर अच्छे फीलिंग्स होते हैं और बुरे फीलिंग्स भी होते हैं। अब हम किसको हम ज्यादा रिफ्लेक्ट होने देते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। तो क्या इसका ये मतलब है सच में हमारे अंदर राम और रावण दोनों बैठे हैं? नहीं, राम और रावण क्या है, वो एक अच्छे और बुरे फीलिंग्स का पर्सोनिफिकेशन, यस दैट इज नोन एज एलेगरी। क्या कहते हैं उसको, एलेगरी। एलेगरी क्या है, जब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कोई फीलिंग हो तो उस चीज को हमने क्या कर दिया, कॉन्क्रीट फॉर्मेट दे दिया, तो दैट इज एन एलेगरी। यही दिया आप लोगों को यहाँ पर, पहले क्या था फ्रांस एक नेशन है, नेशन होना एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को एक पर्सोनिफिकेशन देना, एक आइडेंटिटी देना इनका काम था। इन्होंने क्या किया इसको एलेगरी बोले। मैरी एन, मैरी एन नाम की लड़की का चेहरा आपको दिया फिगर नंबर 16 अगर आप देखो, मैरी एन, मैरी एन क्या है फ्रांस का चेहरा है, फ्रांस का चेहरा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्या ये मैरी एन नाम की कोई लड़की कभी एग्जिस्ट करती थी? नहीं, शी नेवर एग्जिस्ट, बट दे गेव हर अ नेम, क्राइसेंट करना मतलब नामकरण करना, सो शी वाज क्राइसेंट एज मैरी एन, एंड ये कभी एग्जिस्ट नहीं हुई थी। ये पेंटर ने क्या किया था, बस सोचा था एक चेहरे को इमेजिन किया था और उसकी पेंटिंग बनाई थी, वो क्या लिखी मैरी एन लिखी। और ये मैरी एन को इन्होंने अपने पोस्टेज स्टैम्प पर, अपने कॉइंस पर, हर जगह पर प्रिंट किया, जिससे वो फ्रांस कहते ही मैरी एन के साथ उसे एसोसिएट। हम क्या करते हैं भारत माता के साथ एसोसिएट करते हैं ना, भारत माता कैसी होती है, व्हाइट कलर की साड़ी, सिर पर टोपी, टोपी नहीं होती है, सिर पर मुकुट होता है, और बगल में कौन खड़ा रहता है, टाइगर खड़ा रहता है। तो ये सब क्या है इंडिया का एलिगोरी है, इंडिया को हम ऐसे इमेजिन करते हैं। और ये लोग कैसे इमेजिन कर रहे हैं, मैरी एन को इस तरह इमेजिन कर रहे हैं। इफ यू लुक एट मैरी एन वेरी कैरफुली तो उसके सिर में कुछ तो है, यस उसने कुछ तो पहना है ऐसा, तो उसने क्या पहना है, एक कैप पहना है, और उस कैप के ऊपर ट्राई कलर है, यानी तीन कलर्स हैं, फ्रांस के जो फ्लैगिंग कलर है वो उस पर है। यहाँ पर आपको कैप सही से नहीं दिख रहा है, इस इमेज में ना कैप सही से नहीं है, उसने क्या पहना है जैसे क्राउन की तरह कुछ छोटा सा उसने पहना है। बट एक और इमेज आता है उसमें मैरी एन ने लाल रंग की टोपी पहनी है, उस टोपी पर फ्लैग का तीन कलर है, और उसके साथ है एक पॉकेट है, पॉकेट क्या होता है, हाँ वो जो गो बनाते हैं ना लड़कियाँ जो कैप पहनती है वो ब्रॉच की तरह बनाएंगी और वो पहनेंगे, सो दैट्स अ कोके। क्या हुआ हमारी औरतें क्या करती है, वो जुड़ा बनाती है और उसके ऊपर एक कुछ लगाती है, हाथ से हाथ मारती सिक्के की तरह कुछ होता थोड़ा सा लगाएंगी, तो वो कहाँ कहाँ की औरतें सब गो का लगाएंगी, तो दैट इज कोके। तो उसमें आपको एक चैप्टर जिसका नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें दो बंदे घर घर के सिंबल्स दिए थे आपको, उसने पढ़ा उसको, उन दोनों ने भी पढ़ा है, उन दोनों को याद है क्या क्या सिंबल्स थे बताओ, तो और क्या कह रहा हूँ, हाँ
और बाकी सब तो नहीं तो तो इसमें से आपको यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो रेड कैप, रेड कैप किसके लिए होता है? पहनते थे फ्रीडम कौन पहनता था? मैंने पूछा कि क्लास में रेड कैप कौन सा है? सांता क्लॉज। हम बैठ ही नहीं सकती आंसर पे तो नहीं था। तो रेड कैप वो स्टेज पे लिए जो आजाद हो चुके थे, अभी अभी आजाद हुए। ए ब्रोकन चेन मस्ट सिंबलाइज इन लिबर्टी। जस्टिस क्या सिंबलाइज कर रहा था? आंखों पे पट्टी बांधकर तराजू वगैरह पकड़ते हैं हम। तो हमारे यहाँ पर ऐसा पट्टी बांधे हुए कौन खड़ी है? यू नो इंडियन फूड स्टाफ इज सिंपल। आपके ऊपर पट्टी बांधकर एक औरत अपने हाथ में तराजू लेके खड़ी रहती है, वो कौन सी औरत है? कभी तुम लोग दादी नानी के साथ बैठे हो, धर्म कर्म की बातें सुने हो कुछ? हाँ सुने होते तो गांधारी नाम की औरत थी। कौन सी गांधारी? तो उसको क्या कर दिया गया? वो आंखों पे पट्टी बांधती थी, तो पट्टी क्यों बांधती थी? लेकिन हम उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं? इक्वल। अगर आंखों पे पट्टी हो तो मुझे दिखेगा कि ध्वनि किधर है, राधा किधर है और वो सोलू किधर है? नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूंगी? सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करूंगी। तो आंखों पर पट्टी बांधना इक्वालिटी को दर्शाता है। और हाथ में तराजू क्यों होते हैं? दुकानदार थी वो सामान बेचना था, उनसे पट्टी बांधकर सामान बेचने वाले अगेन सिग्निफाइंग इक्वालिटी होगी कि चाहे कोई अमीर आदमी ने कोई क्राइम किया हो या गरीब आदमी ने किया हो, जस्टिस को सबको इक्वली मिलेगा। क्या मिलता है इंडिया में? मिलता है आंखों पर पट्टी बांधकर सो गया मेरी घंटे था। अब ऐसा ही एक और लड़की आ गई है आप लोगों की जिंदगी में, उसका नाम है जर्मेनिया। पहली लड़की का नाम क्या था? नायनिया। दूसरी लड़की का नाम क्या है? जर्मेनिया। जर्मेनिया को जरा गौर से देखो, उसकी टोपी पे क्या है? उसकी टोपी पे ओ प्लीज, ओ प्लीज। अब ओ प्लीज किसको सिग्निफाई करते हैं? हीरोइज्म। बड़ी हीरो है कि हीरोइन नहीं है, क्या है? हीरो है। हीरो मतलब लड़ जाएगी, मर जाएगी, मिट जाएगी, किसके लिए? जर्मनी के लिए। क्यों? उसका नाम क्या है? उसके पीछे क्या है? जर्मनी का फ्लैग है। और उसने अपने चेस्ट पे क्या लगा रखा है? ईगल ब्रेस्ट प्लेट। व्हाट इज दिस ईगल ब्रेस्ट प्लेट सिग्निफाइंग? इसलिए कि अपने पेट टर्न को उसके है सर। ईगल ब्रेस्ट प्लेट इज द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर। नहीं, ब्रेस्ट प्लेट इज द सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर। अच्छा, वो क्या है? स्ट्रेंथ को सिग्निफाई कर रहा है। उसने अपने हाथ में स्वोर को पकड़ा है, कद्दू काटने थे उसको, तू पकड़ा है स्वोर। हाँ, मेरी है स्ट्रेंथ भाई। वो क्या करेगी? वो ही उसके जनरल की तरफ आंख उठा के भी देखेगा तो वो स्वोर लेके जाएगी और मार देगी। उसके स्वोर के ऊपर भी कुछ तो है। क्या उसके स्वोर के ऊपर? ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच किसको सिग्निफाई करता है? पता रहता नहीं है कि हमेशा लड़ने के लिए रेडी, फाइट अप नहीं। वो क्या समझदार भी है, अगर शांति करने का माहौल आएगा तो वो शांति भी कर देगी। पीछे से क्या आ रहे हैं? लाइट। वो लाइट क्या है? रेज ऑफ राइजिंग सन। और राइजिंग सन किसको सिग्निफाई कर रहा है? बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। ब्रोकन चेन्स किससे किसको सिग्निफाई कर रहा है? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म एंड द इंपेरेंस। जिंदगी में जो अभी जो है ना सारे केंद्र बीच में केंद्र बीच के बोलोगे उनका बेस का जो अभी मैंने बताया था आपको, बेस और जो इंग्लैंड है क्या क्या दोनों एक हो गए स्टार्ट कर दिए, और वो दूसरे को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे।
अगर आप वेल्स को पहले वो इसका हिस्सा नहीं था वो अलग था 12th सेंचुरी में वेल्स आकर इंग्लैंड के साथ जुड़ गया है तो प्रिंस ऑफ वेल्स किंग ऑफ वेल्स ऐसा क्यों बोलते हैं बिकॉज दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दैट लैंड व्हिच वाज नॉट प्रीवियसली देयर्स ताकि उनमें भी अपनेपन की जो फीलिंग है ना वो बनी रहे ऐसे ही डचेस ऑफ कैम्ब्रिज भी बोलते हैं तो उन एरियाज में उन्होंने क्या किया अपने एक एक सीट्स रखे हैं सीट्स रखना मतलब ये सारे रीजन हमारे इलाके तो ये राजा कौन है प्रिंस ऑफ वेल्स तो वहां पर वो किसको भेज रहा है अपने कमांडर अपने चीफ टेन करके किसको भेज रहा है डचेस को या ड्यूक को सो दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल हुकूमत चला रहा है बच्चे है सीबीएसई के जो ऊपर किराने ब्रांच में पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे है ठीक है अगर मैं ऐसा करती हूँ बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर मैं ऐसा करती कि मेरे ना जो 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई के ऊपर कराने के बच्चे हैं वही सबसे अच्छे हैं यही तीन बच्चे हैं जो सीबीएसई में टॉप करेंगे 1, 2, 3 रैंक लेके आएंगे कौन होगा वो नहीं पता बोलती लेकिन सारे तीनों रैंकर्स इसी ऊपर कराने ब्रांच से निकले वाले तो ये कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ये कुछ ज्यादा ही ओवर भरोसा हो गया तो इसी चीज को रिलेट करो नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म अगर मैं ऐसा क्योंकि मेरा इंडिया ही सबसे बेस्ट है तो ये क्या है नेशनलिज्म अब मैं कहूंगी कि मेरा इंडिया ही इतना ज्यादा बेस्ट ना बेस्ट है कि सारे बाकी कंट्रीज को इंडिया के गुलाम होके रहने चाहिए ये क्या हो जाएगा अगर मैं कहती हूँ कि मेरा इंडिया ही सबसे बेस्ट है और पर मैं मानती हूँ कि मेरे इंडिया में थोड़ी सी गलतियां हैं थोड़े से कमी है प्राइड होता है करप्शन होता है तो ये क्या यही तो सोच रहे हो ना तुम लोग नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म हेडिंग है हम तो इसी में से अक्का पक्का करके बताएंगे अगर मैं कहती हूँ कि इंडिया अच्छा है मेरा कंट्री है बहुत प्राउड हूँ लेकिन मैं एक्सेप्ट करती हूँ कुछ में थोड़ी सी मिस्टेक्स है थोड़ी गलतियां हैं थोड़े ड्रॉबैक्स है तो ये होता है पैट्रियोटिज्म क्या होता है ये पैट्रियोटिज्म अगर मैं ये कहूँ कि मेरा इंडिया बेस्ट है तो ये हिम्मत कैसे हुई मैंने इंडिया की पूरा करने की आए तक पे बॉम्ब डाल दो लेकिन हम उस दो पर नहीं जाएंगे फिलहाल तो हम लोग नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म की बात करें क्या था जब ये नेशनलिज्म नया नया आया था ना यूरोप में मार्केट में आया था तो नेशनलिज्म में लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक लीड बहुत ज्यादा थी लिबर्टी और लिबरल और डेमोक्रेटिक लीड्स के साथ आया था लेकिन धीरे धीरे लिबर्टी और नेशनलिज्म क्या हो गए थे ये मुझे लगे कोई भी हम नया कपड़ा पहनते हैं तो कितना चमकदार कपड़ा रहता है फिर बहुत बार धो धो के पहनने के बाद ऐसा लगता है पोछी का कपड़ा हो गया है एकदम ठंडा हो जाता है कि बाहर घर से बाहर तो पहनने के लायक ही नहीं बचता तो घर पे ही पहन लेते हैं उसके बाद कुछ दिनों बाद वो होली का कपड़ा बन जाता है ये हो गया ये भी इनकी जो आइडिया थी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट जो होली के कपड़े बन गए थे चला गया था इनके दिमाग से अब जो आपको योग थे ना वो नेशनलिस्टिक फीलिंग तो इनमें आ गई लेकिन इसी नेशनलिस्टिक फीलिंग का किसने फायदा उठाया इन्हीं लोगों के गवर्नमेंट की तो अगर ब्रिटेन की बात करें ब्रिटेन के लोगों में नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आ रही है ब्रिटेन में कौन कौन है स्कॉटिश है वेल्स लोग हैं जो आयरिश लोग हैं वो सब है तो इन लोगों ने क्या किया उन्होंने नेशनलिस्ट इमेज बनाई और इन्हीं के हेल्प से दूसरे कंट्रीज ने क्या कर लिया अपनी कॉलोनीज बनाई इंपीरियलिस्टिक रूल बन गया ब्रिटेन ये सब एग्री विद मी तो अब आगे देखिए क्या एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है बाल्कन रीजन्स बाल्कन रीजन्स में क्या क्या कंट्रीज आते हैं रोमेनिया बल्गेरिया अल्बेनिया ग्रीस मैसेडोनिया क्रोएशिया बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो इसमें से जितने आपको याद रखते हैं उतने ही देना तीन या चार दिन हो गए मोटेनिया तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे ना वो एक टाइम पर ओटोमन एम्पायर के रूल के अंडर ओटोमन एम्पायर इस्लामिक रूलर्स थे
कब आया तू? हिस्ट्री में कब आया? रोमन एम्पायर करता है, बहुत बड़ा था रोमन एम्पायर, ये करता है सेकेंड सेंचुरी में। रोमन एम्पायर लगभग यूरोप में क्या करता था? युद्ध करता था। ये रोमन एम्पायर ने एक दिन क्या सोचा है, इतना बड़ा रोमन एम्पायर मुझसे नहीं युद्ध हो रहा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, आधा आधा कर दिया, एक वेस्ट वाला हिस्सा बन गया, एक ईस्ट वाला हिस्सा बन गया। ईस्ट वाला हिस्से को क्या कहते हैं? बाइजेंटाइन एम्पायर। कुछ सालों बाद ही ऑटोमन एम्पायर ने बाइजेंटाइन एम्पायर पर कैप्चर कर लिया, और तब से ऑटोमन एम्पायर का बहुत ज्यादा नाम ऊंचा है देश में, हिस्ट्री के किताबों में हर दो तीन महीने में आता ही रहता है। तो ये ऑटोमन एम्पायर ने जब ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर दैट इज बाइजेंटाइन एम्पायर को कैप्चर किया, तो उस इसी एरिया को कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते हैं। पता आप लोगों को कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की, टर्की वाली हिस्ट्री, उसको कैप्चर किया तो उसी टाइम पर ये बाल्कन रीजन्स, ग्रीस, ये सब क्या हो गए थे? ऑटोमन एम्पायर के अंडर आ गए। इन दिस चैप्टर ओनली वी स्टडीड इन द इनिशियल पार्ट, और सो ग्रीस का किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर के अंडर था ना। तो ये ऑटोमन एम्पायर से अपना क्या करना चाहते थे? बाल्कन रीजन्स इंडिपेंडेंस लेना था। तो दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ऑटोमन इंडिया। अब जब सारे बाल्कन रीजन्स एक होकर ऑटोमन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो ये क्या है? उनकी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स है जो उनको क्या करने को एनकरेज कर रही है कि फाइट अगेंस्ट द इंपीरियलिस्टिक पावर। ऐसा होता है कि कुछ सालों के बाद ऑटोमन एम्पायर वीक पड़ता है और बाल्कन रीजन्स क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद, इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद इनका फोकस आपस की यूनिटी पे नहीं रहता, इनका फोकस आपस की जेलेसी में चेंज हो जाता है। दे स्टार्ट गेटिंग जेलेस ऑफ ईच अदर। उनको लगता है अरे बल्गेरिया को इतना बड़ा सोने का माइन क्यों मिल रहा है, अल्बेनिया को ये क्यों मिल रहा है, मॉन्टेनेग्रो को ये क्यों मिल रहा है, और एक दूसरे को ये क्यों मिला, वो क्यों मिला, इतना एरिया क्यों मिला, इतना एरिया क्यों मिल रहा है। इस जेलेसी में वो आपस में क्या करने लगते हैं? लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कौन? बाल्कन रीजन्स। ना जा रहे हो ना, या तो मेरी रोटी लगती है तुमको सुनने बाकी ऐसा मत कर, ये तो फिर भी जा रही है तो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। एक तो मेरा भी आवाज बैठा हुआ है, मैं भी ज्यादा जुम्मन से बात नहीं कर रही। तुम लोग का जितना दुख है ना, उससे ज्यादा दुख मेरा है। हाँ बच्चे बोलते रहते ना, हमको सुबह से आए हैं 7:30 से आए हैं, आप हमको थोड़ा 5 मिनट जल्दी छोड़ दो ना। At 2:10 they are like saturated and then they start saying that leave us. मैं उनको अपना दुख सुनाने को शुरू कर जो कहते रहे उनको मैं पढ़ाऊंगा। फ्रेंसी। तो जब बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या सुबह में लड़े रहते हैं, शाम तक भूल जाते हैं लड़ाई लेती को, और क्या करते हैं? शाम तक खेलने लग जाते हैं। लेकिन यही बच्चों के झगड़े में अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाए तो ये झगड़ा को लंबा खींचता है, तो बच्चे भूल भी जाते हैं, बच्चे आपस में फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स का पता नहीं, एक अलग ही तरीके का झगड़ा चलता है। वो है ना, ऐसे कभी कभी तो किसी का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो यही हो रहा था यहाँ पर, कहाँ? यूरोप में। बाल्कन रीजन जब आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो ये क्या थे? छोटे कंट्रीज थे, आपस में लड़ेंगे, दो तीन दिन लड़ेंगे और तीसरे चौथे दिन लड़ाई भूलकर यूनाइट हो भी जाते। लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े का फायदा उठाने के लिए कौन आ गया बीच में? फिर यूरोपियन पावर्स। कौन है ये फिर यूरोपियन पावर्स? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब ने क्या सोचा? चलो कोई लड़ रहा है तो हम जाके अपना फायदा करके आते हैं। दे थॉट दैट ये सारे जो रीजन है ना, बाल्कन रीजन, इससे कुछ सी रूट्स निकलते हैं, ये इसी रूट से एशिया का ट्रेड करने में आने जाने में क्या होगा, फैसिलिटी होगी, इजीनेस बढ़ेगा। एंड दिस इज व्हाट दे थॉट दैट जो भी अच्छा होगा, अगर बाल्कन कंट्रीज लड़ झगड़ रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इनको सपोर्ट करेंगे लड़ाई झगड़ा करने में, और इस सपोर्ट के बदले हम उनसे इन सी रूट के लिए परमिशन ले सकते। तो ये जो छोटे कंट्रीज की लड़ाई थी जो शायद आने वाले एक दो साल में खत्म भी हो जाती, उसको हवा किसने दिया? बड़े यूरोपियन कंट्रीज, और उसी हवा देने की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या समझते हो आप लोग? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ पता नहीं ना, टीचर आई क्लास में नहीं पढ़ाना स्टार्ट की तब से फर्स्ट वर्ल्ड शुरू हो गया था। एक ऑस्ट्रिया नाम की जगह है, वो तो पक्का पता हो गया। इस ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार, उनका नाम क्या था, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। यस, ये कहाँ गए थे घूमने अपनी वाइफ के साथ, सर्बिया गए थे। सर्बिया में एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, टेररिस्ट थे, उसका नाम क्या था, ब्लैक। उन्होंने क्या किया, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ को गोली मारकर मार दिया। तो हम झगड़ा किसके बीच होना चाहिए, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच ना, वो दोनों लड़ ही नहीं रहे। लड़ने के लिए कौन आ रहे, जर्मनी और रशिया। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया को प्रॉमिस किसने कर रखा था, तेरे पीपल अटैक करेगा तो जर्मनी बोला था मैं आप सबके लिए हेल्प करेंगे, और सर्बिया को किसने प्रॉमिस करके रखा था, और रशिया। तो लड़ाई किसमें होनी चाहिए और लड़ पाई बॉडी का, यस ये हो गया था किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसकी वजह से क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब आप थोड़ा सा ब्रॉड अपने दिमाग पर खोल के सोचो तो ऑस्ट्रिया और हंगेरी का जो ये झगड़ा था, ऑस्ट्रिया सर्बिया का झगड़ा था, कोई और ही झगड़ा रहा है आपके, रशिया जर्मनी कुछ लेना देना है नहीं, टाइम पास करने के लिए आगे। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया का जो झगड़ा था वो आपस में क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि वो नेशनलिस्टिक फीलिंग के साथ जुड़े हुए है क्या। हाँ जब भी बता रहे हैं हम कि ना जब एक क्लास में बता रहे एक ही साथ दो क्लास में इधर एक महीने में बोलो इधर एक। अब देखिए वैसे मैं कहा थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ रहे थे। तो आपको ये थॉट आ सकता है कि नाम नेशनलिज्म के लिए गए, नेशनलिज्म से ही इंपीरियलिज्म आना, और फिर इंपीरियलिज्म का नतीजा क्या निकला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या नेशनलिज्म अच्छी चीज है या बुरी चीज, डाउट तो आएगा ना। तो अच्छा बोला, और मेजोरिटी तो अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नेशनलिज्म की वजह से क्या डेवलप हुआ, इंपीरियलिज्म डेवलप हुआ, और उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत सारे लोग जहाँ चले गए। लेकिन अगर इसी चीज को, इसी नेशनलिज्म को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हमारे लिए तो फायदेगा रहा। हमारे लोग पहले क्या थे, अलग 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 राजा के रजवाड़ों में रहते थे, इनके अलग अलग टेरिटरीज थी, इसी का फायदा उठाकर कौन आ गया हमको दूर करने, ब्रिटिश आ गए, और यही ब्रिटिश ने हम पर राज किया, और इनको भगाने के लिए हमारे लीडर्स ने हमारे अंदर कौन सी फीलिंग निर्माण करी, नेशनलिज्म की फीलिंग। सो हमारे लिए तो नेशनलिज्म था अच्छा था, लेकिन यूरोपियंस के लिए नेशनलिज्म थोड़ा सा उल्टा फिरता हो गया। क्यों, क्योंकि वो इंपीरियलिस्ट हो चुके थे, दूसरे के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, कॉलोनी एस्टैब्लिश करना चाहते। Any doubt on this chapter? With this we have completed the chapter. अब आपका होमवर्क क्या होगा, वैसे होमवर्क भी नहीं है, आपकी भलाई के लिए बता दूं, आप घर जाओगे पूरा चैप्टर पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, बिल्कुल शांत दिमाग, क्योंकि लेसन लेक्चर तो कैसे हो रहे हैं आपके, एक के बाद एक हो रहे हैं ना, तो यू आर ऑलरेडी बर्डन। मैं नहीं चाहती कि आप उस बर्डन के साथ पढ़ो। खाना खाने के बाद तीन चार पेज पढ़ लेना, सोने से पहले एक दो पेज पढ़ लेना, तो गैप्स ये लेकर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ोगे, और आपने वो सारी चीजों को कनेक्ट करना है जो कुछ मैंने यहाँ मस्ती में हंसी मजाक में बताई है ना, उन सभी चीजों को आप कनेक्ट करोगे, और आपको कुछ भी डाउट आएगा तो मुझे अगले क्लास में पूछो। एक हफ्ते भर का टाइम है आपके पास, 20-25 पेजेस का पेज जो ये चैप्टर है वो आप उस हफ्ते भर में थोड़ा थोड़ा टाइम मिला के तो पढ़ी सकते, इतना करके आओगे अगले क्लास में। फिर उसके बाद कल में जो मतलब अगला क्लास होगा उसमें आपको डाउट पूछने का मौका दूंगी, फिर उसके बाद कभी भी इस चैप्टर के कोई भी डाउट सेंटर नहीं देगी, ठीक है, बिकॉज इट विल बी क्लियर दैट यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता मुझे,
आपका आपका ग्लोबलाइजेशन बाकी सारे का ग्लोबलाइजेशन ग्लोब ग्लोबलाइजेशन का आज जितना होता है उतना बहुत बहुत साल पहले होता था क्या? एंशियंट टाइम्स में होता था ग्लोबलाइजेशन इतना क्यों? कनेक्टिविटी मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, ईमेल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो ग्लोबलाइजेशन। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि एंशियंट टाइम में बिल्कुल ही ग्लोबलाइजेशन नहीं था या बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं थी? ऐसा कह सकते क्या? थोड़ी थोड़ी कनेक्टिविटी थी लेकिन उतना नहीं था जितना आज के टाइम। तो देखो यहाँ पे आपको बताया एंशियंट टाइम से ही ट्रैवलर्स क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ट्रेडर्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ट्रैवलर्स कौन होते हैं? अब मान लो कोई ताजमहल देखने आया है तो वो क्या होगा? ट्रैवलर होगा, बिकॉज ही ट्रैवलिंग टू विजिट अ पर्टिकुलर प्लेस। ट्रेडर्स क्या करेंगे? चीजें बेचने के लिए जाएंगे, व्यापार करने जाएंगे। प्लीस्ट एंड पिलग्रिम्स, कोई तीर्थ यात्रा वगैरह पे जा रहा है तो वो भी क्या करता है? ट्रैवलिंग करता है। देन इज फॉर नॉलेज अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए तो साधु बाबा लोग करते थे ना, क्या करते थे? उधर हिमालय चले जाते थे, हिमालय में शांति से बैठ के पता नहीं मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता था मुझे, लेकिन वो जाते किधर थे? हिमालय पर। कुछ लोग क्या करते बच्चों? कुछ लोग क्राइम करते, क्राइम। अब मैंने इसका पाउच चुरा लिया, ये मैंने क्या किया? क्राइम। अब मैं कहाँ रह रही हूँ? इंडिया में रह रही हूँ, धनी इंडियन है, धनी का मैंने पाउच था। तो मुझे कौन सी कोर्ट और कौन सी पुलिस पकड़ेंगे? इंडिया में। लेकिन मैं क्या करती हूँ, ये पाउच लेकर है ना, मैं अमेरिका भाग जाती हूँ या फिर इंग्लैंड, जो इंग्लैंड देखो बेस्ट चल रहा है, इंग्लैंड। तो क्या वहां की इंग्लैंड की पुलिस मुझे पकड़ेगी? ये दुनिया चिल्ला के ले जाएगी मेरा पाउच दो पाउच दो, लेकिन पाउच लेकर मैं किधर चली गई? चली गई। तो आई सेव माइसेल्फ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। व्हाट इज प्रोसिक्यूशन? अगर कोर्ट, अगर पुलिस, अगर जज कानून आपको पकड़ने आ रही है तो उसके सजा से बचकर भाग जाना क्या कहलाता है? प्रोसिक्यूशन। अब तू प्लान बना रहा है भागने का, इससे ऐसे ही दिख रहा है आपने तो क्राइम करके भागने का आइडिया दे दिए। लोग क्या करते हैं? अब आ जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ आएंगे? जाएंगे खाली हाथ, आना जाना अच्छा भी नहीं लगता ना। आप किसी के घर जा रहे हो, कुछ तो मिठाई विठाई लेके जाते हो, तो ये लोग कुछ चीजें लेके जाते थे, कुछ लेके जाते थे, सामान लेके जाते थे, पैसा लेके जाते थे। कितने हो रहा है तो पैसा आएगा जाएगा, फ्लो होगा, फ्लो ऑफ मनी। उसके साथ आप वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इनोवेशन, इन्वेंशन, जितना भी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब देखो आप जब ना प्रिंट कल्चर में चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मैम पढ़ाएंगे प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर, उसमें वो आपको बताएंगे पेपर कैसे एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। पेपर बनाने का क्या है? अपने आप में एक स्किल है। और वो क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होता है आप बता सकते हैं। देन दूसरा क्या पढ़ सकते हो आप? एक और चीज है प्रिंट कल्चर वाले चैप्टर से पढ़ सकते हो कि प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई थी, प्रिंटिंग मशीन किसने बनाई थी, और वो जिस जगह पे बनी वहां से वो दूसरी जगह कैसे गई। ऑल द थिंग्स द प्रिंट कल्चर चैप्टर विल डील विद एंड दैट टाइम विल गेट टू नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ना बीमारियां और डिजीजेस भी लेके आए एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते, कोविड। कोविड का क्या हो गया? किधर आया था वो? चाइना। उधर से आज ऑल ओवर द प्लैनेट है, सब जगह पे सबको कोविड हो गया। तो ये क्या है? डिजीज का और जो उसका स्प्रेड हो गया। एक और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऐसी बीमारी जो इंडिया स्मॉल पॉक्स भी है, एक और बीमारी है जो इंडिया ने बेटा गिफ्ट की किसको? यूरोप को। लेप्रेसी। लेप्रेसी इंडिया की बीमारी, वो कहाँ गई? यूरोप गई। कैसे गई? कहा जाता है कोई प्रूफ नहीं है इसका,
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे ना इंडिया को कैप्चर करने के लिए, इंडिया को हाथ लगाने अपने घर फैसिलिटी में, ठीक है, तो उनके साथ एक डिजीज क्या होगी स्प्रेड। 3000 BC से पहले की बात हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों को पता होगा ना, कभी तो पड़ा होगा हड़प्पा और हड़प्पा के लोग, तो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे, ट्रेड क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो दोगे कभी तो दूसरी चीज खरीदोगे, आपको बीच पे गो कुछ खेलने बीच पे जाके क्या करते, गुलाब खाते हैं ना, खाते पीते हैं, पूछते हैं, आ जाते पानी में खेल कर क्या करेंगे, कभी वहां पे मिट्टी में सैंड में खेले हो क्या खेलो, हाँ सैंड कैसे दे रहा हूँ, हाँ सैंड कैसे या कुछ भी मिट्टी में वहां खेलोगे तो आपके हाथ में कुछ आएगा, ये सीशेल से उस समय में क्या होती थी ट्रेडिंग, आज ये सीशेल ले जाके तुम चॉकलेट खरीदने की कोशिश करना मिलेगा फिर कौन मिलेगा, अभी जब क्या ब्रेक हाथ लग गया है तो इसको मजे ले फिर आती हूँ, इससे वन अंडा हाफ आर आपको परेशान करेगा, मच्छर बहुत है इस क्लास में, फ्री का पढ़ रहे हैं बच्चे सारे मच्छर का, अपने जो बंदे को पीछा आना होता है तो मेरा अलग है, नहीं।